नमस्कार, मैं हूं निशा गई। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होता है और नवरात्रों के साथ शुभारंभ होता है इसका। और इस दिन नवरात्रों में हम 9 दिन देवी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि इन दिनों देवी छम छम करके धरती पर आती है और हमारे घर में खुशियाँ लेके आती है, हमारे घर में समृद्धि लेके आती है, स्वास्थ्य लेके आती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ पूजा करने का। घट स्थापना नवरात्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। पूजा की विधि बहुत आसान है। आपको थोड़ी सी चीज़ें एकत्रित करनी है। कोई कलश, आम के पत्ते, नारियल, दीपक, दुर्गा की प्रतिमा और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। अब मैं आपको बहुत आसान सी विधि बताने जा रही हूँ। आपने मुहूर्त के समय घट स्थापना करनी है। चौकी पे बिछाइए लाल कपड़ा और इस लाल कपड़े के ऊपर स्वास्तिक और ओम का आपने निशान बनाना है और उस पर कलश रखना है जिसमें जल डालना है। और चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो स्टील का हो, पीतल का होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी चीनी और चावल मैं हमेशा कहती हूँ जल में ज़रूर डालने चाहिए। आम के पत्ते उसके नीचे रखिए और नारियल के ऊपर उसके ऊपर साथ में रख दीजिए। देवी की प्रतिमा की स्थापना कीजिए। अब आपके अगर घर स्थापना हो गई है तो आपने अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत का बहुत महत्व होता है। घी का दिया जलाया जाता है। कहते हैं कि घी का दिया जलाने से जितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा है हमारे घर की, वह सब दूर हो जाती है और हमारे घर की नेगेटिविटी हमेशा दूर हो जाती है। घर में प्रसन्नता और सद्भावना का माहौल बनता है। घी ले लीजिए, दिया ले लीजिए और उसमें ज्योत जलाइए और उसको जलते रहने दीजिए। थोड़ा थोड़ा घी धीरे धीरे उसमें हमेशा डालिए। फिर आपने जो है नारियल की स्थापना आपने कर दी है घट के साथ। और आपने जो है अब जौ की बुवाई करनी है। जौ की बुवाई कहते हैं कि जौ जो है वो समृद्धि का निशान है। खेती जौ हमारे घर में इन्हीं दिनों में खेती से हमारे घर में जौ आती है जिससे घर में समृद्धि आती है। तो जौ जो है उसकी बुवाई आप सब ने ज़रूर करनी है। एक कलश में किसी भी बर्तन में मिट्टी के आप जौ डालिए और उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए और वो देखेंगे धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो जौ का पौधा बढ़ता जाएगा आपके घर में समृद्धि भी आती जाएगी। और अब आपने क्या करना है, अब आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। स्नान करना मत भूलिएगा। पूजा स्नान करके की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। रोली, चंदन, फूल देवी के ऊपर चढ़ाइए, तिलक लगाइए और रोज़ आप 9 दिन अगर ये पाठ करेंगे, आप देखेंगे किस प्रकार से आपके घर में का माहौल बदल रहा है। आपके जीवन को एक नई धारा मिल रही है, नई दिशा मिल रही है और हर दिन देवी का एक अलग भोग होता है। उसके 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। पहले दिन हम केले का भोग लगाते हैं, दूसरे दिन हम दूध का भोग लगाते हैं, तीसरे दिन हम देसी घी का भोग लगाते हैं, चौथे दिन हम मक्खन का भोग लगाते हैं, पांचवें दिन हम मिश्री का भोग लगाते हैं देवी को, छठे दिन हम मालपुए का भोग लगाते हैं, सातवें दिन हम शहद का भोग लगाते हैं, आठवें दिन हम नारियल का भोग लगाते हैं देवी को, नौवें दिन हम हलवे का भोग लगाते हैं। अष्टमी और नौवीं देवी का हमने आगमन किया, उसका स्वागत किया, अब विदाई भी की करनी बहुत ज़रूरी है। अष्टमी और नौवीं को कन्या पूजन के साथ हम देवी की विदाई करते हैं जिसमें कि चने और काले चने और हलवा का प्रसाद बांटा जाता है। ये बहुत आसान सी विधि अगर आप अपने घर में इस बार करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, उपवास करना चाहें तो उपवास ज़रूर कीजिए, सात्विक भोजन करिए, कुछ अपने जीवन के अगर लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कीजिए। माँ को प्रार्थना करते समय वो अपने जीवन के लक्ष्य बताइए। आप देखिए कि किस तरह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी सेहत, किस तरह से स्वास्थ्य आप महसूस करेंगे, किस तरह से घर का माहौल जो है वह अच्छा होता जाएगा, किस तरह से जौ के साथ जैसे जैसे कहते हैं खेती बढ़ती है धन आता है, तो आप देखिएगा धन और समृद्धि आपके घर में आएगी। और एक छोटा सा टोटका मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जब आप जौ का माँ की विदाई करी तो जौ निकाल के अपने बटुए में रखिएगा, देखिएगा किस तरह से धन छम छम करके आपके घर में आता है। तो प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है कि आप के घर में खुशियाँ आएँ ये नवरात्रे और आप इसे बहुत अच्छे से मनाएं और आपके घर में समृद्धि आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको।